नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। जेडीयू आरडीयू पानी और तेल का गठबंधन जो कभी नहीं मिल सकते, अमित शाह। अवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा। रायपुर कांग्रेस बैठक में बोली सोनिया गांधी। देश और कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय। रायपुर कांग्रेस बैठक में बोली सोनिया गांधी। छत्तीसगढ़ सुकमा ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद। देश में चारों ओर नफरत का माहौल। राहुल ने असंभव को संभव कर दिया। खड़गे, जिस माफिया ने ये कांड किया वो सपा के सहयोग से एमएलए एमपी बना, विधानसभा में बोले सीएम योगी। माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, यूपी के कानून व्यवस्था पर विधानसभा में बोले सीएम योगी। बिहार महागठबंधन की पूर्णिया में रैली आज। नीतीश तेजस्वी और जीतन राम मांझी होंगे शामिल। रायपुर में कांग्रेस बैठक में पहुंचे राहुल गांधी, आज प्रियंका भी रहेंगी मौजूद। उमेश पाल हत्याकांड, पूर्व एमपी आतिक अहमद, पत्नी शाइस्ता और दोनों बेटों पर मुकदमा दर्ज। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। दिल्ली फुटपाथ पर काम कर रहे मजदूरों पर पलटा ट्रक, बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। मुंबई अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर, पूर्व पत्नी आलिया ने रेप का केस दर्ज कराया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा हुई। इंदौर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल की मौत, छात्र ने पेट्रोल डालकर जला दिया था जिंदा। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का आज थम जाएगा प्रचार। बिहार पूर्णिया में आज सत्तारूढ़ महागठबंधन की मेगा रैली, सीएम नीतीश और तेजस्वी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश सीधी बस हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हुई, सीएम शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।